काली रात का कागज है, ले पी ले। ऐसा मीठा प्यारा जहर सिर्फ मेरी दादी बना सकती है और कोई नहीं। सच कहूं दादी, अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता? अच्छा चलो, दादी की कोई कीमत तो है, वरना हमें कौन पूछता है। ऐसा क्यों कह रही है? देख बेटा, अपने अंतिम साल तक दादी बनारस में बुक्स पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आके मुझे मोह लग गया। अब सोचती हूँ मरने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूँ। आप मरने वाली की बातें मत किया करो प्लीज। वैसे तो ठीक कह रहा है, यहाँ सब कहते हैं मैं अपनी उम्र से कम की लगती हूँ। एक लड़की तो कह रही दादी आपकी स्किन तो मलाई जैसी सॉफ्ट है। अच्छा वैसे राज क्या है आपकी मलाई स्किन का? बेटा देख, हम आज है कल नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं कब दला दे जाए, इसलिए हमारे पास कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। फिर बेटा तुम तो 30 साल के हो गए हो, मेरे जाने के बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? मरने से पहले मैं परदादी बनना चाहती हूँ। मुझे दादी के लड़का खूब करना जानता है, सब जानता है लेकिन फिर भी बुलवाता है। खैर मैं भी तेरी दादी हूँ, बिना शादी कराए दम नहीं तोड़ूंगी। आप कहीं नहीं जा रही दादी, वैसे भी भगवान को आप जैसे शैतान लोगों के ऊपर कोई जरूरत नहीं है जो चुप चुप के मिठाई खाती है। एनीवे दादी मुझे शादी करनी है, नहीं तो हम क्यों बात कर रहे हैं? अरे हम दोनों मिलकर रहेंगे ना, दादी पोता और बस, और कोई नहीं, हस्ती करेंगे मजे करेंगे। नहीं राधा, मुझे तो तेरी राधा चाहिए ही चाहिए, और इस बार मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिलहाल दादी माँ आप जाकर सो जाइए, मुझे बहुत सारा काम है। अरे सो जाइए वरना आपकी जो मनाई वाली स्किन है ना उस पर छुरियां आ जाएगी। प्लीज